वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो विंटर स्टार्ट हो गए हैं एंड मैंने अपना विंटर स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसी तरीके से आज मैं अपना विंटर हेयर केयर रूटीन लेके आई हूँ। तो विंटर्स में अपनी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई फील होती है एंड अपना इवन अपना स्कैल्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। हमें अपनी स्किन काफ़ी खिंची खिंची फील होती है, तो उसके लिए हमें अपने स्किन को, अपने स्कैल्प को थोड़ा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र देना पड़ता है। तो वो क्या है जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड इमीडिएटली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जो ऑयल हम लगाने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा आलमंड ऑयल, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। यहाँ पे मैंने हल्का सा आलमंड ऑयल ऐड किया है। अब आपके बालों की लेंथ के हिसाब से ऑयल क्वांटिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये लैवेंडर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, डॉक्टर जैन्स लैवेंडर ऑयल। तो इसके हम 4 to 5 ड्रॉप्स लैवेंडर ऑयल अपने स्कैल्प को बहुत ही स्मूदिंग इफेक्ट देता है और जो भी इरिटेशन होती है विंटर्स में स्पेशली उसे वो काम करता है। तो इसलिए आप लैवेंडर ऑयल ज़रूर यूज़ करिए। एंड इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ टी ट्री ऑयल के अगेन 5 to 6 ड्रॉप्स। जो टी ट्री ऑयल है अपनी जो डैंड्रफ होता है सर्दियों में स्पेशली, तो उसे वो कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए भी टी ट्री ऑयल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसलिए हम ये टी ट्री ऑयल यूज़ करें। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दोनों भी एसेंशियल ऑयल्स डॉक्टर जैन्स ब्रांड के यूज़ किए हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ईवियन, ये विटामिन ई के जो कैप्सूल्स आते हैं हम इसमें ये ऐड करेंगे। तो आपके लेंथ के हिसाब से आप इसमें 1 या 2 ऐड कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे 2 कैप्सूल्स ऐड करूँगी। ये ऐड करने के बाद हम ये पतंजलि का जो एलोवेरा जेल आता है जो मैं मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में यूज़ करती हूँ, तो हम ये ऐड करेंगे। इसमें जैसे मैंने बताया क्वांटिटी कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आपके लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। ओके, सो टू स्टार्ट विथ यहाँ मैंने मेरे बाल ओपन कर लिए हैं एंड हम इन्हें सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रही हूँ एंड जो टैंगल्स है अपने बालों में हमें वो रिमूव करने हैं। जेंटल ऑन योर हेयर्स, आपने धीरे धीरे रिमूव करना है क्योंकि विंटर्स में टैंगल होना बहुत कॉमन है। सो यहाँ पे मैंने मेरे बाल डिटैंगल कर लिए हैं। अब हम ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो जो ऑयल मिक्सचर मैंने बताया था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। एक सेक्शन को आप चाहिए तो क्लिप कर लीजिए। मैंने एक सेक्शन क्लिप कर लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़े थोड़े स्ट्रैंड्स लेके हम ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये ऑयल जो है वो आपने रूट्स से लगाना है, रूट्स तक जाना चाहिए पूरा ऑयल। हल्का हल्का आपको इसे मसाज करना है। अगर आप इसे प्री हीट करो तो आप जब आप दोनों ऑयल्स ऐड करते हो यानी बेस ऑयल कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल वो आप ऐड करते हो तभी आपने इसे हीट कर लेना है। इस तरीके से आपने धीरे धीरे थोड़े थोड़े सेक्शंस में लगाते जाना है। अगर आपको लगे कि अप्लाई होते वक्त सेक्शन नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से डिवाइड करके लगा सकते हैं। सेम उसी तरीके से आपने बैक साइड में भी लगाना है। डू नॉट फॉरगेट योर बैक एंड्स। जब आप आपके रूट्स पे पूरी तरीके से लगा लो तो आप धीरे धीरे टिप्स तक लेके जाइए
एंड आपके जो टिप्स है उन्हें भी आप अच्छे से मॉइस्चराइज कर दीजिए। ये एंड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी ड्राई फील हो जाते हैं, तो इस वजह से आपने उन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। मेरी ये साइड अप्लाई करके हो गई है, अब मैं ये साइड पे अप्लाई करूँगी, तो ये सेक्शन हम बांध लेंगे। सिमिलरली मैं इस साइड पे भी वही टेक्निक यूज़ करके ऑयल अप्लाई कर लूँगी। जब आप ऑयल लगाते हो, इसमें स्पेशली लैवेंडर ऑयल है, तो आपके स्कैल्प को बहुत ठंडा और एक रिलैक्स फील आने लग जाता है, एंड वही मैं अभी फील कर रही हूँ। आपका जो स्कैल्प है वो बिल्कुल ही शांत और काम फील करने लगता है। जब आप दोनों साइड्स को इस तरीके से लगा दो, तो आपने ओपन करके अपने पूरे बालों में एक बार और हल्का हल्का इस तरीके से मसाज करना है। जो बचा हुआ ऑयल है आपने अपने टिप्स पे लेना है, इस तरीके से हल्के से इसे वॉर्म करना है, एंड जो आपके टिप्स है इससे इसे बहुत ही रिलैक्सिंग इफेक्ट देना है। पूरे स्कैल्प को आपने इस तरीके से हल्का प्रेशर देके आपने मसाज करना है। एंड आप अगर 5 to 10 minutes इसे इसी तरीके से मसाज करते रहो, और जो आपके स्ट्रैंड्स है उसे हल्का हल्का, अगर आप पूरा एक हल्का हल्का पुलिंग इफेक्ट दोगी, तो आपके बालों को बहुत अंदर रूट में आपको फील होगा कि कुछ सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, आपको फील होगा। इसमें जो ऑयल बचता है वो मैं अपने टिप्स डिप करके इस तरीके से इसे ले लेती हूँ, एंड ये जो टिप्स है उन्हें पूरे बालों में। ऐसा करने से जो आप नेक्स्ट डे जब आप वॉश करोगे आपके जो बाल है वो, तो आपको फील होगा कि आपके जो बाल है वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। आपको बालों में मॉइस्चराइज फील होगा, क्योंकि जो विटामिन ई है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। इवन जो हमने एसेंशियल ऑयल्स डाले हैं वो अपने स्कैल्प को काफ़ी रिलैक्सिंग फील करता है, एंड पतंजलि जो एलोवेरा जेल हमने यूज़ किया वो भी अपने बालों को बहुत अच्छा एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो जो भी चीज़ें हमने यूज़ किए हैं इसमें वो सारे मॉइस्चराइजिंग चीज़ें हैं, यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं। तो आप डेफिनेटली ये यूज़ करके एक बार ट्राई करिए, एंड आप इसे पूरी रात रहने दीजिए, एंड आप इसे दूसरे दिन वॉश करिए। मैं यूजुअली इस तरीके से बन बांध के रख देती हूँ ताकि पूरा मॉइस्चर जो है वो लॉक्ड रहे, एंड हमने काफ़ी ज़्यादा ऑयल अप्लाई किया है तो वो कहीं अपने फेस पे हल्का हल्का उतरने लगता है, तो वो पूरा लॉक्ड रहने से आपकी जो ड्रेस है वो भी ख़राब नहीं होती। यूजुअली ऐसे टाइम पे कोई ओल्ड टी शर्ट या ऐसा ही पहनिए ताकि आपकी जो ड्रेस है उस पर ऑयल के दाग ना लगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके बालों पे ये ट्रिक यूज़ करने के बाद क्या चेंज आता है, एंड प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिए, और आपकी जो बालों की प्रॉब्लम है विंटर्स में स्पेशली वो काफ़ी जल्दी कम हो जाएगी। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसे जल्दी से ग्रे कर दीजिए, एंड उसके बाद बाजू में एक छोटा सा बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक करिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपको मेरी ये ट्रिक यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ उस थंब को भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ।